ऐसे लग रही है कि जैसे कि क्या आप इतना डिस्टेंस क्यों बना रही है, मतलब कि आपकी शक्ल बिल्कुल उर्फी जावेद जैसे लग रही है। तो तुम पागल वागल हो क्या? मैं उर्फी नहीं हूँ। अरे आप उर्फी हो सच में, आज आपने पूरे कपड़े पहन रखे ना, इसलिए आप उर्फी नहीं लग रही, मतलब कि आप याददाश्त जा चुकी है आपकी। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी याददाश्त तुम्हारी गई है, मेरी नहीं गई। मैं हूं रिकी शर्मा और आज मुझे चैलेंज ये मिला कि एक लड़की को मुझे बोर करना, उसको परेशान करके ये प्रूफ कराना है कि वो उर्फी जावेद है। तो उर्फी जावेद काफी ट्रेंडिंग में है, ठीक है, तो मैं उस लड़की को इतना पका दूंगा, इतना पजल कर दूंगा ना, वो खुद बोलेगी कि मैं उर्फी जावेद हूँ, पैरों में गिर के बोलने लग जाएगी, इतना उसको वो कर दूंगा मैं। देखते हैं वो लड़की हाँ भर पाएगी या नहीं, मैं उसको पूरा फोर्स करूंगा कि यार ये उर्फी जावेद है। तो पूरा वीडियो उर्फी के लिए आ रहा है ये, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग है ये। चलो ठीक है, लड़की मेरे सामने बैठी है, मेरे कैमरा के उस एंगल से देखेंगे तो मस्त एकदम। चलो मिलते हैं। हाय, आपकी शक्ल ना बिल्कुल एकदम मेरा पूरा, ठीक है, एक बार देखे ना यहाँ से, अरे सच में आप उर्फी जैसी लग रही है एकदम, देख बिल्कुल गोरी हैं आप बिल्कुल। तुमसे मैंने बोल दिया ना मैं उर्फी नहीं हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार? समझ कैसे आएगा, देखो आपकी कमर कितनी मस्त, मतलब बिल्कुल आप उर्फी जैसी लग रही हो, आप खोया नहीं। तुम आए कहाँ से और मेरे से क्यों बकवास कर रहे हो? आप उर्फी जावेद हो या नहीं ये बताओ। मैं उर्फी नहीं हूँ। आप सच में, आप कपड़े जैसे आप पहनती ना, एक बार इनको उतार के देखो और उर्फी जैसे आप पहनती वैसे पहन के देखो, सारी पब्लिक आपको बताएगी कि आप उर्फी हो। कपड़े पहनने से मैं उर्फी नहीं बनूंगी। अरे सच में आप पहनने से नहीं बनोगे ना, बगैर कपड़े उर्फी लगते हो आप, हो या नहीं? कपड़े पहनूं या ना पहनूं मैं उर्फी नहीं बनूंगी, उर्फी नहीं हूं मैं। आप एक बात बताओ मेरे को, उर्फी देखी आपने? मैं नहीं जानती किसी उर्फी को। नहीं जानती? नहीं जानती। अरे तुम ही हो, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो यार आप, ठीक है कि आप इतनी मतलब कि इंटरनेट सेंसेशन हो, मतलब कि मैं आपके साथ यहाँ पे अगर आ गया यहाँ पे, ये ऐसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप तो मेरे से छोटे पहनते हो यार, ये तो मतलब बहुत आज। तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे छोटे कपड़े पहनती हूँ और मैं उर्फी हूँ? अरे उर्फी पहनती ना तो उर्फी नहीं पहनती? तो उर्फी पहनती है ना, मैं थोड़ी ना पहनती। आप ही तो उर्फी हो यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं सच्ची कह रहा हूँ ना स्पीकी, मैं ये कह रहा कसम से, तुम मेरे को लग रहे हो उर्फी लग रही हो आप मेरे को। ये फालतू ले लो पेन, एक मिनट आप एक बात आओ, पेन मैं आपसे बाद में लूँगा, ठीक है, आप यहाँ पे बैठो पहले, आप इधर आओ ना यार एक बार, ठीक है, ये आपको उर्फी जावेद लग रही है नहीं? हाँ उर्फी है। लग रही है ना? हाँ। देख लो आप उर्फी हो, पागल हो गई क्या तू भी, मैं कहाँ से उर्फी लग रही हूँ? अरे सच्ची में देखो, ये तो रैंडमली आई है कोई लड़की, ये बता रही है उर्फी बता रही है आपको, है नहीं, तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है मुझे ऐसा लग रहा है। तुम दोनों मेरा पागल क्यों बना रहे हो, मैं उर्फी नहीं हूँ। अरे बाबा तू उर्फी है सच में, अभी आपके पास मोबाइल है ना, सुनो एक मिनट देखो, अरे मैं लेके थोड़ी भाग रहा हूँ, चोर थोड़ी हूँ, जैसे मोबाइल है ठीक है, इसका लॉक खोलेंगे ना आप, एक बार खोलो तो एक बार यार, तुम उर्फी हो ठीक है, कैमरा ऑन करो इसका, देखो इधर, जैसे हमने कैमरा ऑन किया शायद ये पहचान जाए, जैसे कि अभी आपके कैमरा में ना कपड़े आ रहे हैं आपने, मतलब कि मेरे से फालतू बकवास बंद करो, मैंने कह दिया ना मैं उर्फी नहीं हूँ, आप उर्फी हो। देखो उसे पूछो, तुम्हें किसने बोला? वो तो एक लड़की, अरे सेम बोल रही हूं। वो बोल रही है यार, तुम पहचान नहीं रही अपने आप को, भूल चुकी हो आप, जबरदस्ती जिद करे जा रहे हो, जबरदस्ती का जबरदस्ती नहीं, आप उर्फी हो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी मत मानो, इस लड़की की तो सुनो आप, देखो पेन क्यों मानूं मैं उसकी, अरे मुझे आपसे पेन, देखो इसी बात पे ना आपने बोला तो मेरे पास कुछ चेंज होगा तो मैं आपको देता हूं, ठीक है, लड़की ने बोला यार उसने, ठीक है, पागल हो गए तुम, वही बोल रही है उर्फी हो तुम, पागल आप लग रही हो, ठीक है मेरे पास ये है 40, आप रखो ठीक है, पेन पेन रखो आप ये बोलो उर्फी है ना, ये उर्फी दीदी को दे दो, ये सारे जाओ यहाँ से किसी और को दे देना ये पेन, अरे रख ले सुन एक मिनट रुको, लड़की दे रही प्यार से दे रही, रख ले यार इसको, ठीक है रख लेना, क्या दिक्कत हो रही है, एक काम करो ये आपके काम आएंगे, आप जाओ लेके। अरे मुझे नहीं, आपको जरूरत है, आपको याददाश्त के लिए जरूरी है कि आपको डायरी में लेके नहीं लिखना चाहिए कि मैं उर्फी नहीं हूँ या हूँ, घर से निकलना चाहिए आपको लिख के, आप ना गजनी मूवी वाली हीरोइन लग रही हो, जैसे आमिर खान नहीं हो जाता पार्टी उसके अंदर वो लग रही हो। अरे सच्ची में यार उस लड़की का तो विश्वास कर, चलो देखो तुम पेन भी ले रही, गिफ्ट भी ले लो यार, लड़की प्यार से दे रही, ठीक है मैं उर्फी हूँ, हाँ बात खत्म, उर्फी है हाँ पक्का, हाँ देख ले यार उर्फी नहीं हो, वो उर्फी नहीं है तू यार, कि तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या, पहले कह रहे थे उर्फी है उर्फी, अब मैंने कह दिया मैं उर्फी नहीं हूँ तो अब तुम मना कर रहे हो, तुम उर्फी नहीं हो, उस लड़की से पूछ उर्फी को, वो जानती है वीडियोस देखती है उर्फी आप नहीं हो, आप कैसे उर्फी हो सकते हो ये बताओ, अभी तो आप बोल रहे थे ना मैं उर्फी हूँ, हाँ तो मैं उर्फी हूँ, अरे मैं तो आपको बोलता तू पागल है तो अपने आपको पागल समझ लेती, हाँ मैं पागल भी हूँ, नहीं तुम पागल हो चुके, तुम्हारा दिमाग खिसक गया मुझे, मैं उर्फी भी हूँ और मैं पागल भी हूँ, नहीं नहीं तुम नहीं हो ना पागल हो,
कुछ नहीं यार, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे लग रहा है तुम दोनों मेरा पागल बनाने आए हो। पागल बनाने नहीं, हम तो आपका वो चेक कर रहे थे दिमाग की पावर कितनी तुम्हारी। तुम्हारी तो यार बिल्कुल जीरो है, मतलब कि यार तुम्हारा दिमाग यहाँ पे है घुटने, जहाँ पे पैंट फटी हुई ना। नहीं यहाँ पे नहीं है, नीचे है। नीचे नहीं है, नीचे नीचे नहीं दिख रहा सच में तुम्हारी। जूते जूते के नीचे है मेरा दिमाग, जूते के नीचे। अच्छा ये बताओ, ये जो आपके ये जो आपने, अरे क्या बदतमीजी है, मैंने बोल दिया ना मैं उर्फी हूँ, बात खत्म। अरे तू उर्फी नहीं है, बता यार इसको। उर्फी नहीं है, तू उर्फी नहीं है और हम तेरा बेवकूफ बना रहे हैं। उर्फी तो उर्फी नहीं है, उर्फी तो क्या बताएं पटाखा एकदम, मतलब की उर्फी तो इतनी क्या बोले, इतनी मस्त लड़की है जिसकी याद नहीं है ना, है कि नहीं। अब तुम जबरदस्ती उर्फी बना रहे हो तो मैं बन गई, बात खत्म। नहीं नहीं, तुम उर्फी नहीं हो और हम अब तुम्हारा बेवकूफ बना रहे थे और हम वीडियो बनाते रहते हैं है ना। तो हमारा वीडियो शूट करते हो, हमारा ये चैलेंज था कि एक लड़की को जबरदस्ती उर्फी बनाए, क्या वो मानती है या नहीं, और तुमने हाँ की और आप बहुत ही बड़ी बेवकूफ निकली उसके अंदर, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको कोई बंदा आके बोले आप तो कन्विंस हो जाएंगे यार, क्या मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है कुछ भी बोले। दिमाग भी तो खराब हो जाता है ना किसी बंदे का, ऐसे ऐसे थोड़ी होता। आप उठ के जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, ठीक है यार, ऐसे कैसे बात करते हो यार। सच्ची में आपका क्या बोल रही थी, आपके नीचे क्या आपका दिमाग है? हाँ मेरे नीचे दिमाग है, आपका नीचे दिमाग है, आप में सच में दिमाग नहीं है। नहीं पर यार दिल से अच्छी लगी, तुम गले लगा लो तुझे। नहीं सॉरी, उर्फी को गले लगाना, अब मैं उर्फी नहीं, आई लव उर्फी, ठीक है। तो उर्फी को जाके गले लगाओ। चलो ठीक है, हमारा ये चैलेंज था तो हमने पूरा किया। और कैमरे में आप रिकॉर्डेड चला दें, अपलोड कर देना। जी बिल्कुल कर देना। बात तो मिला ले यार, क्या बात है, उससे ही मिला ले। अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, थैंक यू। और मुझे नकली उर्फी बनाया तुमने। अरे बहुत ही लाजवाब उर्फी हो सच में, उर्फी भी देखेगी ना अब आपको। उर्फी को टैग करूंगा मैं, ठीक है। उर्फी जावेद, मैं आपको टैग कर रहा हूँ वीडियो, इज वेरी वेरी नाइस पर्सन और बहुत ही अच्छी, और आप भी बहुत अच्छी हो, ठीक है। मुझे तो ये देखना था कि उर्फी की कोई ऐसी हाँ कर पाएगी या नहीं, लेकिन इसने हाँ की, तो थैंक यू सो मच। हम दोनों चलते हैं, शायद ये लड़की पेन बेचती है यहाँ पे सिटी के अंदर, ठीक है। चल हम चलते हैं, पेन वापस दे रही, रख ले यार तू, रख ले। चल हम और कहीं चलते हैं, बाय। तुम कहाँ जा रही हो साथ में? मैं भी जा रही हूँ अपने घर।